तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले में। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड। तो गाइस, यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या गरीब आदमी है, स्टोन फार्म बना लिए फिर भी स्टोन कट करना पड़ रहा है। तो गाइस मैं बता दूं आप सभी को कि मेरे पास में यार अभी तक इतना गन पाउडर नहीं है कि मैं TNT बना लूं। तो इसलिए क्या है कि अपना स्टोन फार्म अभी तक नहीं चल सकता है जब तक TNT अपने पास में नहीं होंगे। तो इसलिए मुझे स्टोन कट करना पड़ रहा है। और मैं बता दूं आप सभी को, स्टोन मैं अब इसीलिए कट कर रहा हूं क्योंकि मैं बनाने वाला हूं अब एक अलग टाइप का क्रीपर फार्म। तो मैं बता दूं कि उस क्रीपर फार्म को बनाने में मेरे दोस्त भी मेरी हेल्प करेंगे। दो दोस्त आते हैं ना मेरी हेल्प करने के लिए, तो उनको मैंने बोला है, तो उन्होंने बताया है मुझे कि ऐसा वाला बनाना वो वर्क करेगा, ठीक है, और इतनी ऊंचाई पे जाके बनाना। तो भाई अब सब कुछ फिक्स है और इस बार जो मैं क्रीपर फार्म बनाने वाला हूँ उसका मुझे पहले से पता है कि वो वर्क करेगा क्योंकि वो मुझे मेरे दोस्तों ने बताया है, ठीक है। मैंने उनके SMP में जाके वो वाला फार्म देखा भी है, उनका बहुत बढ़िया चल रहा था यार। मतलब एक मिनट में तो ज़ॉम्बी की पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है उस फार्म में, बहुत स्पीड से चलता है वो। तो इसीलिए वैसा ही फार्म बनाएंगे और अब देखते हैं वो कैसा यहाँ पे अपने वर्क करेगा। ओके, तो चलो पहले मुझे स्टोन कट करना है। स्टोन कट करने के बाद में मैं बता दूं इसको मैं मेल्ट करूंगा और स्मूथ स्टोन बनाऊंगा। तो अपने पास में स्मेल्टर है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चलता रहेगा और स्मूथ स्टोन अच्छा खासा बनता रहेगा मेरे पास में। एक बात मैं बता दूं, मैंने जो पहले क्रीपर फार्म बनाया था ना, तो वो अभी तक है, उसको भी कट करना बाकी है। वो पूरा का पूरा हटेगा तो उसमें भी बहुत सारा स्टोन मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार उसमें जो स्टोन मिलेगा ना वो आधा तो शायद डिस्पॉन हो जाएगा क्योंकि मैं उसको नीचे से ऊपर तक तोड़ता हुआ जाऊंगा ना, तो स्टोन नीचे गिरेगा, तो उसको मैं मतलब बार बार में नीचे तो लेने आऊंगा नहीं, तो वो डिस्पॉन हो जाएगा जो नीचे गिरेगा। हाँ, जो बैग में आ जाएगा वो जरूर मुझे मिल जाएगा। तो चलो पहले स्टोन कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे की जर्नी। तो गाइस अभी मैंने जो पहले स्टोन कट किया था ना, वो सारा का सारा स्टोन मैंने स्मेल्टर में डाल दिया है। बाकी अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, मेरे बॉक्स में भी थोड़ा बहुत स्टोन पड़ा हुआ है, कोबल स्टोन है ये, तो इसको भी मैं मेल्ट करने वाला हूँ। अब अपने पास में बिल्कुल पूरी तरह से स्टोन खत्म हो जाएगा। सारे बॉक्स में से भी मैंने छाट लिया है, सारा कोबल स्टोन ले लिया है और भाई अब स्मेल्ट कर लेते हैं क्योंकि मुझे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ स्टोन। तो स्मूथ स्टोन एक बार बन जाए अच्छा खासा चाहिए भाई, बैग भर के, ठीक है, तब जाके बहुत बड़ा क्रीपर फार्म बनेगा। तो अभी मैं स्मेल्टर की तरफ जा रहा हूँ, इसमें मैंने पहले भी स्टोन डाला था और अभी और डाल देता हूँ। एक मिनट, ये होपर खुल गया था शायद। तो मैं बता दूँ गाइस कि जो अपना क्रीपर फार्म रहेगा ना उसमें मतलब फ्लोर ही बनेंगे लेकिन कुछ अलग टाइप के बनेंगे, ठीक है। तो वो फ्लोर रहेंगे 13। मेरे दोस्तों से मैंने पूछा कि कितने फ्लोर बनने चाहिए, तो उन्होंने बताया कि 13 फ्लोर बनाएंगे, उसमें मतलब भर भर के ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देख लो अपना स्टोन मेल्ट होना शुरू हो चुका है। चलो इसको पूरे को मेल्ट हो जाने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतनी देर मैं स्टोन कट कर करके इसमें और ला ला के डालता रहता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास में स्टोन जब ये मेल्ट हो जाएगा फिर इससे ही स्मूथ स्टोन बनेगा, दोबारा इसको हम लोग मेल्ट करेंगे तब, ठीक है। तो अब वो जो अपना क्रीपर फार्म है ना उसको भी तोड़ना बाकी है, तो मैं जाके उसको तोड़ देता हूँ गाइस, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं एक बात बता दूं आप सभी को कि जो अपना नया क्रीपर फार्म बनने वाला है ना उसमें भाई एक चीज की जरूरत पड़ने वाली है और वो है बेम्बू। मतलब बेम्बू से आप लोग जानते हो ना कि एक वो लिफ्ट जैसी कुछ बनती है जिससे हम लोग काफी ऊंचाई पे जा सकते हैं। मतलब एक तो लेडर बनती है, दूसरी एक लिफ्ट जैसी भी कुछ बनती है ना, तो वो बनाने वाला हूँ मैं क्योंकि क्रीपर फार्म में वो लगने वाली है। मेरे दोस्तों ने बताया मुझे कि अच्छे खासे बेम्बू कट कर लो और वो लिफ्ट बना लेना। मैं उस चीज़ को लिफ्ट बोल रहा हूँ, बाकी उसका नाम क्या होता है मुझे नहीं पता, जब मैं लगाऊँ ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी आगे मैं लगाऊंगा ना यार, बनाने वाला हूँ क्रीपर फार्म, उसी की तो तैयारी चल रही है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और मैं इतनी देर बेम्बू कट कर लेता हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैं अभी कर तो बेम्बू रहा था कट, लेकिन भाई मुझे एक ड्राउंड मिला पानी के अंदर, मतलब कि पानी वाला ज़ॉम्बी, तो उसको मैंने किल कर दिया ना। उसके पास में ट्राइडेंट था और उससे मुझे ट्राइडेंट मिल चुका है और अब भाई मेरे मन में लालच आ गया है कि एक ट्राइडेंट मुझे मिल गया है, इसकी मुझे सख्त ज़रूरत भी थी। वो इसलिए क्योंकि भाई अपना क्रीपर फार्म बनेगा तो उसमें पिस्टन लगेगी और पिस्टन के बीच में एक ट्राइडेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ट्राइडेंट तो उसमें चला जाएगा, बाकी एक मेरे लिए भी होना ही चाहिए। तो बस एक और ट्राइडेंट निकाल के मैं चला जाऊँगा यहाँ से। ओके, तो चलो गाइस अभी काफ़ी देर हो चुकी है और यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन हुए पानी के अंदर, तो इसके पास भी ट्राइडेंट है। देखे ये छोड़ता है क्या? ओके, इसने नहीं छोड़ा शायद ट्राइडेंट।
बट यार ऐसे ही मिलेंगे, मुझे भी पता है। मैं अभी है ना डायमंड की स्वॉर्ड ले आया हूँ अपनी, क्योंकि मुझे पता है कि इससे ये जल्दी किल हो जाएंगे। इस टाइम पे मैंने आर्मर भी इक्विप कर रखी है, वो वैसे आयरन की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपना मतलब अपनी हेल्थ भी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो थोड़ी देर देखो यहीं पर रुकना पड़ेगा मुझे, उसके बाद में कोई ट्राइडेंट वाला फिर से ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएगा। मतलब एक बात होती है ना कि हम लोग पानी बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद में हम लोग देखते हैं तो फिर से ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाता है। अब ये जो ट्राइडेंट है ये अभी ज़मीन में घुसा हुआ है, तो ये तो हमें नहीं मिल पाएगा। देखो ट्राइडेंट वही मिलता है जो पानी के ऊपर तैर जाता है ज़ॉम्बी को किल करने के बाद में। ओके तो गाइस यहाँ पे देखो जब ज़ॉम्बी खत्म हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्मेल्टर पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं मतलब अपना काम करने लग जाता हूँ। तो इससे भाई ट्राइडेंट छूट चुका है, अभी बाद में उठाएंगे, पहले इसको भी किल कर लेते हैं। और मैं इधर भी देख रहा था मतलब कि यार देखे ज़ॉम्बी स्पॉन हुए या नहीं हुए, तो चलो अब मैं ये ट्राइडेंट उठा लेता हूँ। उधर एक और ज़ॉम्बी है, उसके पास भी ट्राइडेंट है, शायद उसको किल करने पर भी हमें ट्राइडेंट मिल जाए, बट पक्की बात नहीं है यार उससे मिलेगा या नहीं, चांस बहुत कम रहता है। देख लो नहीं मिला उससे, लेकिन मेरे पास में फ़िलहाल अभी दो ट्राइडेंट हो चुके हैं, तो एक तो भाई मेरे लिए और दूसरा अपने क्रीपर फार्म के लिए। वैसे यहाँ पे ऐसे भी ट्राइडेंट पड़े हुए हैं लेकिन वो ज़मीन में घुसे हुए हैं, वो हमें मिलेंगे नहीं। ओके तो गाइस अभी मैं अपने घर में आ चुका हूँ, और घर में मैं इसीलिए आया हूँ ताकि मैं इसका फोल्डिंग बना पाऊँ। मतलब जिसको मैं लिफ्ट बोल रहा था ना, उसका नाम ही यह है, इसका फोल्डिंग। तो चलो इसको मैं बना लेता हूँ, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। भाई मुझे एक बात का पता चल चुका है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ये बनानी पड़ेगी, क्योंकि अपना जो क्रीपर फार्म है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा लगने वाली है, ठीक है। तो सारी तैयारी भाई हो चुकी है, स्मूथ स्टोन भी बन रहा है अपना, और बन जाएगा भी थोड़ी देर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक अच्छी खबर भी है कि जो क्रीपर फार्म था अपना पुराना वाला, उसको मैंने तोड़ दिया है, उससे भी काफ़ी सारा स्टोन मिला है मुझे, काफ़ी तो डिस्पॉन हो गया। अब देखो वो बात तो मुझे पहले ही पता थी कि काफ़ी डिस्पॉन होगा स्टोन, लेकिन भाई जितना मिला है उसको भी मैंने स्मेल्टर में डाल दिया है। तो ये सब कुछ अभी मैं रख देता हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद जब मैं फार्म बनाना स्टार्ट करूँगा उस टाइम पे इनको ले लूँगा अपने बैग में। ओके तो गाइस अभी यहीं पे हम लोग बनाने वाले हैं अपना क्रीपर फार्म, और मैं बता दूं आप सभी को कि स्टोन बना के मैं ले आया हूँ, ये स्मूथ स्टोन है। अब इससे हमारा जो फार्म है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा। वैसे प्यारे की बात से तो समझ में आई कि इतनी ऊंचाई पे अपने फार्म को जाके देखेगा कौन। वैसे यार जो भी आएगा वो देखेगा तो सरी, ठीक है, क्योंकि ये फार्म अपना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनने वाला है और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे जाके बनने वाला है। तो चलो पहले काफ़ी ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, तो इस काम में तो भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो चलो मैं पहले चला जाता हूँ ऊपर। ऑल राइट गाइस, तो अभी देखो मैं नीचे ही गर्दन इसीलिए कर रखा था क्योंकि मैं एकदम से आपको ये दिखाना चाहता था। इतनी ऊंचाई पे आने के बाद में मैंने ये चैम्बर तैयार कर लिया है, जिसके अंदर सारे के सारे ज़ॉम्बी आके नहाएंगे धोएंगे। अब देखो गाइस हम लोग जो फ्लोर बनाने वाले थे ना इस चैम्बर के ऊपर, वो कुछ ऐसा फ्लोर रहेगा, मतलब इसका डिज़ाइन कुछ अलग टाइप का है, ये मेरे दोस्तों ने ही बताया है। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ये फोल्डिंग लगा दो, तो चलो मैं ये फोल्डिंग लगा देता हूँ। अब इससे क्या होगा, ये फोल्डिंग लगाने के बाद में एक ब्लॉक ऊपर एक और फ्लोर बन जाएगा, उसके ऊपर भी ये फोल्डिंग लग जाएगा। तो ऐसे करके मुझे 13 फ्लोर बनाने हैं, फिर उसके बाद में 13 फ्लोर से ऊपर की साइड में एक बहुत बड़ी छत बनानी है, छत ही मान लो आप लोग, और उसके ऊपर मुझे टॉर्च लगानी है। ऐसे सारा सिस्टम होने वाला है, ठीक है। तो अब भाई देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा शॉट दिखाऊंगा इसको बनाते हुए, क्योंकि अगर पूरा दिखाऊंगा तो भाई 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, ये आप लोग भी जानते ही है, ठीक है। तो देखो फ्लोर कुछ ऐसा है यहाँ का, और इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ, मैं इसको सीधा लिफ्ट ही बोल देता हूँ गाइस, ठीक है, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो समझने में और मुझे भी बोलने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं इसको लिफ्ट ही बोलता हूँ। ये लिफ्ट जैसे ही काम करती है यार, मतलब अगर इसका एक ऊँचा सा टावर बना दो ना आप लोग इसका फोल्डिंग का, तो इसमें ऊपर नीचे आने जाने में कोई दिक्कत होती नहीं है, बंदा गिरता भी नहीं है यार, एक बात ये भी है। चलो तो यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ इसका फोल्डिंग हर जगह पर। ओके तो गाइस देखो अपना फर्स्ट फ्लोर तो बनके तैयार हो चुका है, ठीक है, बस उसके ऊपर वाटर डालना बाकी है, वो बाद में मैं दिखाऊंगा कि कैसे डालना है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अब मैं सेकंड फ्लोर बना रहा हूँ, और सेकंड फ्लोर में थोड़े बहुत मैंने स्मूथ स्टोन के ब्लॉक गलती से नीचे की साइड में लगा दिए थे, मैं भी थोड़ा सा भूल गया था, लेकिन फिलहाल वो गलती मैंने सही कर दी है। अब देखो यहाँ पे जो नीचे इसका फोल्डिंग लगा हुआ है, उसके बाद में एक ब्लॉक की दूरी है, और फिर उसके ऊपर मैंने स्टोन लगा दिया है, ये बात है, ठीक है। अब ये जो नीचे की साइड में इसका फोल्डिंग लगा हुआ है ना, इसके बिल्कुल बीच के सेंटर पे मुझे वाटर की एक बकेट खाली करनी है,
तो फिर क्या आएगी, जोम्बी बह बह के मतलब स्पॉन होके बहेंगे, और बहेंगे तो वो गिरेंगे सीधा नीचे आके चैम्बर में। ऐसे ही हर एक फ्लोर बनने वाला है, समझ गए। तो देखो गाइस, यही था ना वो सेकंड फ्लोर जो कि मैं बना रहा था अभी। तो देखो इसको कुछ इस तरह से डिजाइन देना पड़ता है, मेरे दोस्तों ने ही सिखाया है भाई मुझे। अब भाई जब ये सेकंड फ्लोर बन चुका है तो इसके ऊपर फिर से मुझे ये लिफ्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैं लगा देता हूँ और सेकंड फ्लोर को भी कंप्लीट कर देता हूँ। अब मैंने लगभग दो फ्लोर आप लोगों को इसीलिए दिखाए ताकि आप लोग भी समझ जाए कि भाई ऐसे ऐसे करके ये वाला फार्म बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी फ्लोर तो आप लोग बना ही लोगे, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया कि भाई कितनी ऊँचाई पर बनता है, कितने ब्लॉक की दूरी रहती है, ये सब कुछ मैंने बता दी है, ठीक है। तो अब आप लोग बना लेना, दो फ्लोर मैंने मतलब यहाँ पे आपको बना के दिखा दिए हैं। और एक बात मैं और यहाँ पे बता दूँ आप सभी को कि ग्राउंड से मैं देख लो यहाँ पे 281 ब्लॉक ऊंचाई पे आया हुआ हूँ, ठीक है। मतलब बीच की कोऑर्डिनेट्स हम लोग देखते हैं ना, तो बीच की कोऑर्डिनेट्स देख लो कितनी ऊंचाई पे आके ये वाला फार्म मैं बनाना स्टार्ट किया हूँ। इस टाइम पे मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ और इतनी ऊंचाई पे हूँ गाइस, अब आप लोग अंदाजा लगा लो यार। चलो मेरे दोस्त भी आ गए, अब वो भी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे मेरी। अब देखो गाइस, मैंने एक बात और कही थी कि ये लिफ्ट लगाने के बाद में हमें वाटर बकेट खाली करनी है, तो वो कुछ इस तरह से खाली करनी है। मैं आप लोगों को मतलब एक तरह से बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से वाटर बकेट खाली करेंगे तो ये मतलब वाटर जो है ना ये नीचे भी नहीं आएगा और जोम भी मतलब नीचे आ गिरेंगे, ये है सिस्टम, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ आप लोगों के समझ में आ ही गया है, और बस इसी तरह से सारे फ्लोर बनेंगे और बीच में एक वाटर बकेट बिल्कुल सेंटर में डालनी होगी। ओके, तो गाइस अभी यहाँ पे 13 फ्लोर हमने बना दिए हैं और यहाँ पे मैं दो ब्लॉक लगा दिया हूँ और तीसरा भी लग गया है। तो अब नीचे के दो ब्लॉक मैं तोड़ देता हूँ क्योंकि भाई अब अपनी छत बनने वाली है। तो ये जो छत मैं बनाने वाला हूँ ना गाइस, ये पता है कितनी बड़ी बनेगी, मतलब अगर चारों तरफ से गिनो ना तो 24-24 ब्लॉक लगेंगे हर तरफ, यहाँ पे सेंटर से अगर गिनो तो, ठीक है। तो अब ये स्मूथ स्टोन में लगा देता हूँ। अब इसका काम क्या रहेगा मैं बता दूँ आप सभी को, इससे अंधेरा रहेगा अपने इस वाले फार्म में, ठीक है, हर एक फ्लोर में, और उससे ही जोम्बी स्पॉन होके नीचे गिरेंगे वहाँ पे। तो अभी तक किल चैम्बर नहीं बना है तो वो तो बना लेंगे, ट्राइडेंट भी है अपने पास में और पिस्टन तो बन ही सकती है। तो जल्दी जल्दी से अब मैं स्मूथ स्टोन लगा देता हूँ गिनती करके। ओके, तो गाइस अभी अपना जो क्रीपर फार्म है ये पूरी तरह से एक तरह से ये मान लो कि बनके तैयार हो चुका है, क्योंकि इसकी छत भी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पे बस अब इसको थोड़ा सा ये बाकी है, इसको कंप्लीट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे टॉर्च लगाना अभी तक बाकी है। मेरे दोस्तों ने एक बात कही थी कि टॉर्च लगाना मत भूलना, अगर टॉर्च नहीं लगाए ना तो फिर उसके बाद क्या है कि जोम्बी है ना वो ऊपर की साइड में यहाँ पे स्पॉन हो जाएंगे, तो नीचे के फ्लोर में कम स्पॉन होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला फार्म वर्क अच्छा क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं अभी देखो 1.21 का वर्जन खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट का गाइस, मैं ये बता दूँ आप लोगों को। ओके, तो गाइस वैसे मैं ऊपर से गलती से गिर गया था यार, इतनी ऊंचाई से आके गिरा ना तो बचने का कोई चांस तो था नहीं, लेकिन फिलहाल अभी मेरे दोस्त लोग यहाँ पे काम कर ही रहे थे, गिरा तो मैं था, तो उन्होंने मतलब अब किल चैम्बर बना के तैयार कर दिया है और ऊपर की साइड में टॉर्च भी लगा दी है, ठीक है। जो छत बनाई थी ना हमने उसके ऊपर टॉर्च मेरे दोस्तों ने लगा दी है। और इसमें भाई साहब आप फ्लोर देख लो, 13 फ्लोर है टोटल और जोम्बी की भाई मतलब अच्छी खासी जोम्बी की बारिश हो रही है ये मान लो, ठीक है। तो यार इतनी बड़ी छत हमने बनाई है ना, इसकी वजह से ही यहाँ पे सभी फ्लोर में अंधेरा रह रहा है। अगर इसको मतलब खुला छोड़ देते, अगर छत नहीं बनाते तो शायद जोम्बी कम स्पॉन होते या इक्के दुक्के ही स्पॉन होते, ये एक बात है। तो यहाँ पे देखो, अरे यार छत पे अभी तक टॉर्च नहीं लगी, खैर चलो कोई बात नहीं, वैसे मेरे दोस्तों ने बोला था कि हमने लगा दी बट वो शायद भूल गए, ओके कोई बात नहीं। लेकिन अभी तक उन्होंने नीचे की साइड में किल चैम्बर तो बना दिया है गाइस, मतलब अब जोम्बी सीधा नीचे जा रहे हैं और वो किल हो रहे हैं खुद अपने आप, और उससे मुझे गन पाउडर भी मिल रहा है, बाकी जोम्बी के पास से क्या क्या मिलता है वो सब कुछ मिल रहा है। और गाइस एक खास बात मैं बताऊँ इस फार्म की, कि इसमें अकेला क्रीपर स्पॉन नहीं होता है, मतलब इसमें A to Z जोम्बी स्पॉन होते हैं, ठीक है। तो भाई मुझे मतलब हर तरह की लूट मिलने वाली है। चलो तो अब आपको दिखाते हैं कितने जोम्बी आ रहे हैं और कितनी लूट मुझे मिल रही है। लेकिन यह है कि गन पाउडर भी मुझे मिल रहा है और बाकी और लूट भी मिल रही है। ऐसे अकेला गन पाउडर मिलता तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता, लेकिन अब सब कुछ मिल रहा है तो जल्दी ही बॉक्स फुल हो जाएगा।
तो यहाँ पे देख लो बहुत सारे फ्लोर है और ज़ॉम्बी स्पॉन हो के नीचे गिर भी रहे हैं। देखो स्पाइडर गिराया है, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस। यार वैसे तो थोड़ा पास में जाके दिखाऊं क्या? वैसे देखो ज़्यादा पास में भी नहीं जाऊंगा इन फ्लोर के, क्योंकि फिर क्या है कि कोई क्रीपर स्पॉन हुआ होगा ना तो वो ब्लास्ट हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा पास में जाऊँगा तो, ये एक बात है। अब देखो यहाँ पे अंधेरा तो थोड़ा सा ज़्यादा है, हर एक फ्लोर में हमने वाटर बकेट खाली की थी, तो ज़ॉम्बी क्या है कि मतलब एक तरह से पानी के फ्लो से नीचे गिरते ही है और स्पॉन भी उनको इसी में होना है, ये भी एक बात है। तो बढ़िया सिस्टम बन गया है यार गाइस। चलो अब मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ, आप भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे होंगे कि यार ये तो दिखाओ कि कितने ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे हैं। और मैंने माइनक्राफ्ट का वर्जन बता ही दिया है, आप लोगों के मन में अगर शक आ रहा है तो देखो प्ले स्टोर का तो माइनक्राफ्ट है मेरे डाउनलोड, और मैं मोबाइल में खेल रहा हूँ, और यह है 1.21 का वर्जन, मतलब एक तरह से ये मान लो कि बिल्कुल नया वर्जन है जो अभी अभी आया है। चलो तो गाइस आ जाओ, देखो यहाँ पे बॉक्स लगाए हैं मेरे दोस्तों ने, ये और ये। अभी तक हमारा भी कुछ तामझाम इसमें आया है, वो क्या है कि गलती से जो हमसे गिर गया या फिर हम किल हो गए तो वो लूट भी तो गिरती है ना गाइस, तो वो सब कुछ भी यहाँ पे आया है। बाकी यहाँ पे एक लीवर लगाया है और इसको ऑन करते ही खचड़ पचड़ की मशीन शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे ज़ॉम्बी गिरना शुरू होंगे, रुको अभी तक यार मैं भी अभी तक आया हूँ, तो अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी जब स्पॉन होंगे तो वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बात मेरे दोस्तों ने खास ये भी बताई कि शुरुआत में जो फार्म मतलब लिमिटेड वर्क करता है, बाद में वो धीरे धीरे बहुत अच्छा वर्क करने लग जाता है। चलो थोड़ी देर यहीं पे बैठता हूँ गाइस। वैसे आप लोगों को बॉक्स में लूट तो दिखाई दिया मैंने, मतलब ज़ॉम्बी आ रहे हैं, ये देखो आया और किल भी हो गया, एक और आया वो भी किल हो गया। आप लोगों को ऐसे पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि आने के साथ में ही ज़ॉम्बी किल हो जाता है, एक तो उसकी HP कम हो जाती है इतनी ऊपर से गिरने पर, फिर उसके बाद ट्राइडेंट की वजह से वो जल्दी किल भी हो जाता है। यहाँ से दिखाऊँ क्या आप लोगों को तोड़ के? देखो वो गया, अबे भाई मैं ही गिर गया यार, मुझसे ही गलती हो गई। चलो लेकिन देख लो मैं मतलब ऊपर गया, आप लोगों को दिखाया, उसी में ही एक ज़ॉम्बी तो जाता हुआ दिखाई दे गया। अब वो कौन सा ज़ॉम्बी था मुझे यह बात पता नहीं चली। चलो एक मिनट मैं वापस ऊपर जाके दिखाऊं आप लोगों को, चलो ऊपर चल के देख लेते हैं। अरे यार ये हो क्या रहा है, मैं कुछ ज़्यादा ही देर गेम खेल लिया ना तो इसलिए अब थोड़ा सा हाथ मेरा ऐसे ही चल रहा है यार। चलो अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा बैठना पड़ेगा हमें, थोड़ी देर मतलब रुकना पड़ेगा यार, सीधी सी बात है। ओके तो गाइस अभी देखो मैं यहाँ पे आके बैठ चुका हूँ और यहाँ पे मतलब ज़ॉम्बी गिर रहे हैं, वो खुद ही किल भी हो रहे हैं, तो मतलब ठीक ठाक बढ़िया चल रहा है यार ये वाला फार्म। पहले जो मैंने बनाया था उसमें बिल्कुल ज़ॉम्बी ही नहीं आ रहे थे, इसमें कम से कम आ तो रहे हैं ना, और अच्छे खासे ही आ रहे हैं यार। मैं इन ज़ॉम्बी को ज़्यादा ही बोलूँगा क्योंकि मैंने आज तक जितने भी XP फार्म देखे हैं या फिर क्रीपर फार्म देखे हैं उन सबकी स्पीड इसके मुकाबले कम ही रही है। तो मेरे दोस्तों ने मुझे एक अच्छा फार्म बताया है जो कि 1.21 में वर्क कर रहा है और बढ़िया वर्क कर रहा है। चलो तो ज़ॉम्बी भी अच्छे खासे आ रहे हैं और हमें लूट भी अच्छी खासी मिल रही है, देखो ये आके गिर रहे हैं और किल भी होते जा रहे हैं। अब क्या है कि भीड़ तो इकट्ठी होगी नहीं ना गाइस, क्योंकि आने के साथ में ही पिस्टन की वजह से और ट्राइडेंट की वजह से किल हो जाते हैं वो। अगर मैं लीवर बंद कर दूंगा ना तो ज़रूर ज़ॉम्बी की भीड़ यहाँ पे लग जाएगी, मुझे भी पता है। तो बस यार गाइस अब मैं भी चलता हूँ, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फेसबुक पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए मैक्समोर गेमिंग, आपको हमारा पेज मिल जाएगा, तो उसे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी हमारे वीडियो देखो यार गाइस और हमें सपोर्ट करो। तो हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में, तब तक के लिए बाय।